हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 5 प्रो के न्यू अपडेट, जो कि एम आई यू आई 11.0.5.0 का अपडेट आया हुआ है। तो इस अपडेट में हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलता है और क्या कुछ जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है, और व्हाट्स न्यू आप देख सकते हो, हमेशा की तरह सेम है। और जो भी चेंजेस हैं या फिर नहीं है, जो कुछ भी है, मैं यहाँ पे आगे आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले अबाउट फोन में जाके दिखा दूँ, तो यहाँ पे ऑल स्पेक्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे वर्जन जो है MIUI ग्लोबल 11.0.5 स्टेबल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन हमारा सेम है। एंड सिक्योरिटी पैच जो है यहाँ पे 5 अगस्त 2020 की कर दी गई है, तो लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है, जो कि इस अपडेट में हमें दे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो है सेम ही मिलने वाली है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MI ब्राउज़र हो गया, एंड बाकी और भी एप्लीकेशन MI वीडियो हो गया, ये सारे आपको रिमूव कर दिए गए यहाँ पे। अगर आप OTA अपडेट किए तो अगर आप में अभी भी शो कर रहा था, आप इजी जो है उसको अनइंस्टॉल कर पाओगे। तो ऐसा जो है इस अपडेट में कर दिया गया है कि जिनके में अभी अगर शो कर रहा होगा तो बिल्कुल ईजी उसे अनइंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी अगर कोई रिकवरी से जैसे कोई फ्लश किया है तो उनके में तो डायरेक्ट रिमूव आपको देखने को मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलता। और बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें नहीं मिलती, सारी चीज़ें सेम ही है जैसे कि आप देख सकते हो। तो फिलहाल इस अपडेट का मतलब यही था कि यहाँ पे जो है सारे चाइनीज एप्लीकेशन को रिमूव करना था जितने भी थे, और बाकी यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया गया है, और जो थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुई है थोड़ी सी, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो 141,335 हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में चल के कुछ सेटिंग्स भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे मेन जैसे कि थीम्स की सबसे पहले मैं बात करूँ, तो थीम्स जैसे कि आप कोई रिकवरी से अगर फ्लश करता है इस रोम को तो चाइनीज़ थीम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ कि कैसे आप चाइनीज़ थीम को इंग्लिश में आपको करना है इंग्लिश वाला। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एडिशनल सेटिंग्स में चल के दिखा दूँ, यहाँ पे रीजन आप देख सकते हो चाइनीज़ शो कर रहा है यहाँ पे चाइना, जैसे कि मैं रिकवरी से फ्लश किया तो मुझे शो कर रहा है, लेकिन जो OTA अपडेट किए होंगे अपडेटर से डायरेक्ट उनके में ये नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप जो है इंडिया कर लेना, एंड आपका चाइनीज़ थीम भी जो है फिक्स हो जाएगा। एंड गेम टर्बो जो है सेम है आपका, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिला के आप अगर ढूंढने जाओगे तो कहीं भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है, सिवाय सिक्योरिटी पैच के, और यहाँ पे जो है आपके चाइनीज़ एप्लीकेशन रिमूव किए हैं बस, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अबाउट फोन में चल के किस तरीके से आपको जो है अपडेट करना है, इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रोम के मिल जाएगी। सिंपली MIUI वर्जन पे MIUI 11 पे जो है आपको 11 टाइम टैप करना है, 10 से 11 बार टैप करना है, और यहाँ पे चूज़ अपडेट पैकेज जब आपका इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हो अपने रोम को और डायरेक्ट आप अपडेट कर सकते हो अगर आप 11.0.3.0 पे हो। तो इसको जो है अपडेट कर लेना अगर आप किसी को अपडेट नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी फुल रोम की। और जो रिकवरी से फ्लश कर रहे हैं तो रिकवरी से बिल्कुल ईजी फ्लश कर सकते हैं। सिंपली रिकवरी में आपको जाना है, डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन पांचों को वाइप करना है, और रोम फ्लश करना है एंड रिबूट कर देना। सिंपली उससे पहले अपना डाटा ज़रूर कॉपी कर लेना, ये जो है सेफ, एक सेफ्टी के उस पर आप जो है अपना डाटा कॉपी कर लेना। एंड यहाँ पे अगर मैं पबजी को आप दिखा दूँ तो पबजी का ग्राफिक भी हमारा सेम है, स्मूथ पे मीडियम है, और बैलेंस पे भी हमें मीडियम मिलता है। HD का अनलॉक आपको देखने को नहीं मिलता है, सारी चीज़ें सेम ही है, तो जैसे कि आप देख सकते हो। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पबजी परफॉर्मेंस भी आपकी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा है फिलहाल। जैसा पहले हमें 11.0.3 या उससे पहले देखने को मिलता था उसी तरीके से है, ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको इससे बेटर पबजी के परफॉर्मेंस जो है हमारे पोर्ट रोम्स जो हैं उनमें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप अगर MIUI 11 के इस अपडेट पर अगर आप खेलोगे, और आप अगर जो एंड्रॉयड 10 के जो पोर्ट रोम्स अभी आ रहे हैं उनमें आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस पबजी की मिलती है, और फीचर्स भी आपको एंड्रॉयड 10 के मिल जाते हैं, तो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे इन सब की वीडियो आप सबको मिल जाएगी काफ़ी सारी, और डेली वीडियो आती भी है। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे बनाएं, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया इसका वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ फ़िलहाल हमें चेंजेस नहीं मिलता, एक से दो चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं, और यहाँ पर जो है चाइनीज़ एप्लीकेशन हमारे रिमूव कर दिए गए हैं। तो अच्छी बात है, ये रिमूव करना ही था, क्योंकि उससे पहले एक अपडेट देने वाले थे जो कि जिसमें हमारा चाइनीज़ एप्लीकेशन रिमूव होगा। अब इसके बाद जो अपडेट आएगा वो आएगा हमारा MIUI 12 का, और आपको वेट करना पड़ेगा अभी अक्टूबर में ही आप फिलहाल तो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो मुश्किल ही है।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले तो वैसे भी हो चुका है, और डिले होते होते यहाँ पे अक्टूबर में ही अब जाकर के आप सभी को जो है मिलने वाला है। तो अक्टूबर का भी फिलहाल आप वेट करें और आपको MIUI 12 का मिलेगा। अगर आपको पहले ही एक्सपीरियंस लेना है MIUI 12 का, अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है अपने नोट 5 प्रो में, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी लोग जो है यूज़ करते हैं हमारे पोर्ट रोम्स को, जो कि हमारे मेंटेनर्स हमारे ग्रुप में भी हैं सारे, काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको चैनल से अगर आप जुड़े हो तो ज़रूर आपको पता चलता रहेगा सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप नहीं जुड़े हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा, और पोर्ट रोम्स की वीडियो तो हमेशा आप सबके लिए आती रहेगी। तो यही सारी चीज़ थी जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। तो बस आज की वीडियो में यही सारी चीज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।